गाइस हम लोग आ गए हैं बरई पोखरा मंदिर चितवड़ा गांव बलिया उत्तर प्रदेश। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग अभिलाषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ घुमाने के लिए और मैं आपको एक ऐसी जगह घुमा के लाऊंगी जहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि हाँ सच्ची में बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा देखने लायक और अच्छी सी जगह है। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मैं वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ की जो जगह है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं आपको ना दिखाऊँ। चितवड़ा गांव का जो मंदिर है, इस मंदिर जो पोखरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बहुत मतलब अच्छा मंदिर है और यहाँ पे लोगों की मान्यताएं भी पूरी होती हैं और लोग सच्चे दिल से यहाँ से अपनी प्रार्थनाएं भी लगाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ना अच्छा भी लगता है, ये घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे देखने लायक तो आपको लग रहा होगा ना, ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और इसी को पोखरा बोलते हैं। ये जो पोखरा बना हुआ है इसमें बहुत सी मछलियाँ हैं, बहुत ढेर सारी मछलियाँ हैं और इस मछलियों में यहीं पर लोग आते हैं, उनको खिलाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग मछलियों को बुला के खिलाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो खूबसूरती है वो तो सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग भी रहा है और अभी धूप है तो थोड़ा इतना नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी का टाइम है, लेकिन सर्दियों में तो और थोड़ा सुबह शाम के टाइम पर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो पोखरा है ये रहस्यमयी पोखरा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पोखरे में 7 कुएँ हैं और यहाँ पे बहुत ढेर सारी मछलियाँ भी हैं और एक कछुआ भी है जो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत अच्छा भी लगता है, लोगों ने उसको देखा भी है। तो वो कुएँ में कहाँ पे छुप जाता है ये किसी को पता नहीं है और वो दिखता भी बहुत कम है, लेकिन कहते हैं जो लोग उसको देख लेते हैं वो लोगों के लिए लकी है, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो मछली है, जो बहुत बड़ी मछली रानी बोली जाती है, उसको एक सोने की नथ पहनाई गई थी जिसको लोगों ने मार दिया जहर देख के, तो वो मछली मर जाने से अब इस समय वो मछली हमारे बीच नहीं है, लेकिन बताते आज भी हैं कि इस जो पोखरे में आज का जो श्राप लगा हुआ है, लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो भी मछली को अगर मार दे या कुछ भी कर दे तो उसको 6 महीने में उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, सब बेकार हो जाता है और उसके घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है। इस पोखरे की एक और विशेषता है कि इस पोखरे में माता लक्ष्मी का वास है, तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी 21 दिन तक माता लक्ष्मी की या इस पोखरे की जो आरती होती है वो अगर ले ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी वो प्रार्थना लेके आएगा वो 21 दिन की आरती में उसकी पूरी हो जाती है। तो लोग इस मान्यता को मानते भी हैं और यहाँ पर आरती के लिए आते भी हैं। तो लोग सुबह जो 4 बजे की जो आरती होती है, तो जो लोग अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, तो वो लोग इस आरती में शामिल होते हैं और सुबह की 4 बजे की आरती लेके माता से प्रार्थना करते हैं। रहस्यमयी पोखरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर कैसा लगा, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने हमारे साथ। तो प्लीज़ कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग के साथ में बने रहिए। मैं